हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि हम स्पोर्ट्स का बैनर कैसे बना सकते हैं, आज उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम उसी स्पोर्ट्स बैनर को मोशन बैनर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड आफ्टर एन इंट्रो। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने एक स्पोर्ट्स का बैनर बनाया था, बट मैंने यहाँ पर इससे अपना जो हमने कलर लुकअप और कर्व्स और जो पेपर का टेक्सचर लिया था वो मैंने हटा दिया है यहाँ से, क्योंकि अगर हम वो लाएंगे तो फिर हमारा मोशन बैनर नहीं बन पाएगा सही से। सो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने लेयर्स को मर्ज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड हम मर्ज करना स्टार्ट करेंगे। तो बैकग्राउंड में हमारा एक ये ग्रंजी लुक वाला बैकग्राउंड है, को इसको हम मर्ज कर लेते हैं कंट्रोल ई, और एक एक कलर्ड वाला हमारा बैकग्राउंड है इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं कंट्रोल ई प्रेस करके। अब जो हमारा जॉन सीना जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी मर्ज कर लेते हैं कंट्रोल ई, एंड देन दिस इज आवर मेन कैरेक्टर, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें सबको ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड देन हमारा जो नेवर गिव अप वाला कोट है वो भी कंट्रोल ई प्रेस करके एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड जो हमारा लोगो है वो लोगो, ठीक है। सो, हम प्रीमियर प्रो में आ जाते हैं। सबसे पहले हम अपना एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, तो हमें न्यू प्रोजेक्ट जहाँ पर चाहिए वहाँ पर हम ले लेते हैं, ओके प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हम एक न्यू सीक्वेंस लेंगे। न्यू सीक्वेंस आपको पता ही है कि जो हमने फ़ोटोशॉप का साइज़ लिया था वही सेम सीक्वेंस पे लेना है, 3300 बाय 3300, और कितने फ्रेम पर सेकंड, 25 फ्रेम पर सेकंड पे ले लेते हैं, ओके प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना फ़ोटोशॉप वो बैनर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने अपना फ़ोटोशॉप का डॉक्यूमेंट इंपोर्ट कर लिया है, इंडिविजुअल लेयर्स ले लेते हैं, ओके प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना बैकग्राउंड ले आएंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देन हमारे पास जो हमारा कलर्ड बैकग्राउंड था वो भी ले आते हैं, देन हमारा जो टेक्स्ट था वो, देन हमारा कैरेक्टर सबको छोटा कर देते हैं, देन हमारा कोट, एंड लास्ट चीज़ हमारा लोगो, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एनिमेट करते हैं। सबसे पहले हम अपना पीछे का बैकग्राउंड एनिमेट कर लेते हैं। तो पीछे का बैकग्राउंड के लिए हम वही टेक्स्ट यूज़ करेंगे, टेक्स्ट इफेक्ट्स यूज़ करेंगे। तो पीछे के बैकग्राउंड के लिए हम ग्लिच का टेक्स्ट इफेक्ट यूज़ करेंगे जो कि है नंबर 14, ये वाला है। तो देखते हैं कैसा आता है। तो थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे क्योंकि बहुत बड़ा है ये, नाउ। अब हमारे टेक्स्ट की बारी है, जो हमारे पास टेक्स्ट है उसमें भी हम एक इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, सिनेमैटिक इफ़ेक्ट। इसका हम जो यूज़ करेंगे वो है थर्ड वाला। तो टेक्स्ट हमारा ये है, सॉरी आई थिंक ये सेलेक्ट होगा, या थर्ड वाला हम एक इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, एंड सेम चीज़ हम इनके कोट में भी यूज़ करेंगे जो कि ये है। तो मेरे को क्या चाहिए, ये टेक्स्ट जो है वो बाद में आए, पहले हमारा बैकग्राउंड आए। तो यहाँ पर हमारा पूरा बैकग्राउंड आ रहा है, तो हम इसको इतना शिफ्ट कर लेते हैं। आई थिंक वो इफ़ेक्ट हट गया है क्योंकि हमने आगे शिफ्ट किया था, तो इसलिए
देखते हैं। अब हम अपने कैरेक्टर पे भी एक इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे, पर इस बार थोड़ा सा वो अलग होगा। तो हमारा कैरेक्टर जो है वो ये है, आई थिंक, या दिस इज़ द कैरेक्टर। सो इसको भी हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेते हैं। इसमें हम जो यूज़ करेंगे वो स्लाइड इफ़ेक्ट होगा। सो स्लाइड इफ़ेक्ट का हम 5th नंबर का यूज़ करेंगे। दिस इज़ द, तो इसमें हम करते हैं, तो ये देखिए कितना अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है। एक बार फिर से देखिए, एंड अगर लोगों पे भी आपको कुछ इफ़ेक्ट चाहिए तो आप लोगों पे भी दे सकते हैं। लोगों पे मैं नॉर्मल सा इफ़ेक्ट दूंगा पोजीशन का, इतना बेटर है। इसको थोड़ा सा फास्ट चाहिए और ईज़ इन चाहिए। तो ये देखिए, सिंपल हमने अपने टेक्स्ट इफेक्ट से कितना अच्छा एक मोशन बैनर रेडी कर लिया है। अब हमें लास्ट इसमें साउंड डालनी है, तो हम इसमें म्यूज़िक इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने म्यूज़िक इंपोर्ट कर लिया है, म्यूज़िक ले आते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, म्यूज़िक थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो कंट्रोल के स्टार्टिंग का पार्ट हम कर हटा देते हैं। एंड इन सब को भी इसके बराबर ले आते हैं। तो इसका जो लास्ट का है, हमें उसके साउंड को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। आई थिंक थोड़ा सा पहले कम करना पड़ेगा। दिस इज इट। देखा आपने कि हम एक स्पोर्ट्स के बैनर को हम एक मोशन बैनर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड थैंक यू सो मच।